आते हैं आपको। कश्मीर घाटी में आज मतदान का दूसरा चरण हो रहा है, जिसके चलते आज श्रीनगर बडगाम सीट के लिए मतदान हो रहा है। इस सीट पर जो है केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला का मुख्य मुकाबला जो है वो पीडीपी के नेता तारिक हमीद कर्रा के साथ है, और इसके साथ जो अन्य 12 कैंडिडेट्स हैं वो इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके लिए 12 लाख से ज्यादा जो वोटर्स है अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिनके लिए 1000 से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो बना दिए गए हैं। उनमें से जो ज्यादातर पोलिंग स्टेशंस हैं वो हाइपर सेंसिटिव है, जिसके चलते पोलिंग स्टेशंस पे सुरक्षा के काफी इंतजाम भी किए गए हैं। बड़गाम के एक पोलिंग स्टेशन पे अभी हम मौजूद है, जहां पे हालांकि काफी सुबह होने के कारण भी लोग निकल आए हैं और अपना वोट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन लगाकर जो लोग हैं अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि भीड़ उतनी ज्यादा अभी नहीं है क्योंकि काफी सुबह का समय है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहां पे नजर आ रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करते हुए। और फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ जो तारिक हमीद कर्रा और अन्य 12 कैंडिडेट्स हैं, उनकी किस्मत जो है ईवीएम में बंद होनी यहां पे शुरू हो गई है। अब किसकी किस्मत में कितने वोट आते हैं ये तो जब रिजल्ट्स होंगे तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल श्रीनगर बडगाम सीट के लिए यहाँ पे कश्मीर घाटी में मतदान अभी किस्मत में कितने वोट आते हैं ये तो जब रिजल्ट्स होंगे तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल श्रीनगर बडगाम सीट के लिए यहाँ पे कश्मीर घाटी में मतदान अभी जारी है। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, बडगाम, न्यूज 24।